हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेखा निटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। सिंगल कलर का ये पैटर्न है। ये देखिए, स्ट्रेचेबल बहुत है। ये राइट साइड है इसकी और ये रॉन्ग साइड है। ये वाला पैटर्न ये देखिए, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ईजी है। केवल दो सिलाई का पैटर्न है ये, और तीन फंदों पर ये पैटर्न हमारा डला है। ये देखिए, ये दो फंदे हैं, ये एक फंदा है, तो ये तीन 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 फंदे करके यहाँ पर फिर आप दो फंदे लास्ट में रख लेना और एक एक फंदा एच स्टिच लिया है मैंने, तो इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3+4 स्टिचेस आप लीजिएगा तो पैटर्न आपका ये सेट हो जाएगा। और ये रॉन्ग साइड से शुरू होता है, केवल दो सिलाई का पैटर्न है। जैसे मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। राइट साइड से आप एक सिंपल सलाइस में डाल लेना, सीधे की सीधे सीधे फंदे बुन के, और उसके बाद ये रॉन्ग साइड से इस तरह से स्टार्ट करना। फर्स्ट स्टिच हमने स्लिप किया, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, उसके बाद फिर दो फंदे। ये देखिए, तीन फंदे हो गए हमारे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब यही तीन फंदे इसमें रिपीट होंगे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा। दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और लास्ट में भी हमारे दो फंदे सीधे और ये एक फंदा एच स्टिच है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। राइट साइड ये है, यहाँ से हम सेकंड रो बनाएंगे। इसको हमने स्लिप किया नीट वाइज, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो फंदे हमने उधर से सीधे बुने इधर उल्टे आएंगे। ये दो फंदे हमने इधर से उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे। ये फंदा हमने उधर उल्टा बुना था। इस फंदे को हमें कैसे बुनना है मैं बताती हूँ। हमें ऐसे नहीं बुनना, इसके डाउन स्टिच ये है, तो यहाँ पर हमें सिलाई डालनी है और यहाँ से हमें लूप निकालना है, ऐसे बुनना है। बस यही तीन फंदे हैं, यही बार बार रिपीट होंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, इसके डाउन स्टिच में सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा निकालेंगे ऐसे, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ पर सिलाई डालेंगे। देखिए, यहाँ पर सिलाई डालेंगे, यहाँ से फंदा निकालेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे, धागा आगे, दो फंदे सीधे, धागा पीछे, यहाँ सिलाई डालकर एक फंदा निकालेंगे और इस वाले को ड्रॉप कर देंगे, अगेन दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ पर सिलाई डालकर फंदा निकालेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ सिलाई डालकर फंदा निकालेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, दो फंदे उल्टे, यहाँ सिलाई डालकर फंदा निकालेंगे। ये देखिए, और लास्ट में भी हमारे दो फंदे उल्टे और जो एच स्टिच है उसको हम सीधा बनाएंगे। जब हम
एच डी से पहले वाले फंदे उल्टे बुनते हैं, तो एच डी से हम सीधा बनाते हैं, और जब हम इससे इस फंदे से पहले वाले फंदे सीधे बुनते हैं तो इसको हम उल्टा बनाते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये हमारी दो सिलाई कंप्लीट हुई और ये पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। फिर हमें यहीं से स्टार्ट करना है, दो फंदे सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा। फिर राइट साइड में आएंगे, दो फंदे उल्टे और ये वाला फंदा डाउन स्टिच में सिलाई डालकर निकालेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। बहुत इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा डिजाइन है और किसी भी स्वेटर में आप इसको बना सकते हैं। ये शॉल में, स्कार्फ में बहुत अच्छा लगेगा। और ये स्ट्रेच होता है, ये देखिए, ये इसमें 28 फंदे हैं, देखिए कितना ये स्ट्रेच हो रहा है। तो आप इसको स्कार्फ में यदि बनाएंगे तो ये बहुत सूटेबल होता है स्कार्फ में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ जल्दी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।